राम राम दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी नई वीडियो पे। तो दर्शकों, मेरे पीछे हैं नरसिंह देवता मंदिर, जिसका आज कार्य संपन्न होने जा रहा है। ये नया मंदिर बना है। तो हमारे हिमाचल में एक प्रथा है कि आप जब भी नया मंदिर बनता है तो उसका जो टॉप का हिस्सा है वो लकड़ी का लगता है, और उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसे हमारे शांत कहते हैं, शांति यज्ञ। तो उसी के बारे में ये वीडियो रहने वाला है, और जो हमारे सिरमौर के, हमारे हिमाचल प्रदेश के कल्चर को दर्शाता है। तो वीडियो में बने रहें और आपको पूरा दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे जब मंदिर का निर्माण होता है तो किस तरह से वो कार्य संपन्न किया जाता है। तो बने रहिए वीडियो में, और आपको आगे का पूरा व्यू नज़ारा दिखाएंगे यहाँ से, और बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है ये। तो दर्शकों, अभी मंदिर का सबसे जो ऊपर का हिस्सा है वो लेके आया जा रहा है। दर्शकों, भी दर्शकों पहुंच गए हमारे देवता इधर। दर्शकों, ये लेके आ रहे हैं कुरुड, लकड़ी का बना हुआ है, जिसे मंदिर के ऊपरले हिस्से पे जो टॉप का हिस्सा दिखाई दे रहा है वहां लगेगा। दर्शकों, जो इसके ऊपर बैठे हैं ये मुख्य पुजारी है इस मंदिर के, और ये नरसिंह देवता का मंदिर है। तो ये अब चढ़ाया जा रहा है ऊपर मंदिर पे। तो रस्सियों की मदद से इसे ऊपर ले जाया जाएगा। दोनों छोर पे, दोनों हिस्सों पे लकड़ी के, कुरुड़ के दोनों हिस्सों पे रस्सियां बांध रहे हैं। बहुत ही ऐतिहासिक पल दर्शकों ये। तो
एक व्यक्ति एक मंदिर का शांत महायज्ञ जीवन में एक ही बार देख सकता है अप्रोक्सीमेट, या शायद अगर किसी की लंबी उम्र हो या किस्मत अच्छी हो तो शायद दूसरी बार भी देख ले। तो दर्शकों ये लेके जा रहे हैं लकड़ी के ऊपर, कुरुड़ के ऊपर। तो दर्शकों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए प्लीज़। आपको इसी तरह की वीडियो हिमाचल का कल्चर और हिमाचल के अच्छे अच्छे प्लेसेस देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। तो ये कुरुड़ पे बैठे हैं इस मंदिर के मुख्य पुजारी, जिनके अंदर भी देवता की हवा ही है। और ये कुरुड़ लगने के बाद ही मंदिर का कार्य संपन्न होगा। और यहाँ दी जाएगी दर्शकों बकरे की बलि। वैसे सुनने में आया कि यहाँ पे 9 बकरे कटे हैं, शाम को 6 कटे थे और 3 अभी और कटने हैं। बहुत ही ऐतिहासिक पल दर्शकों ये। देखिए दर्शकों वहाँ पे बकरा है उनके पास, जिसकी बलि दी जाएगी अभी। आप कमेंट में बताओ यार कि ये प्रथा आपको सही लगी या नहीं। ऐसे हमारे गांधी जी तो इसके बिल्कुल खिलाफ थे, आप लोगों का क्या मानना है इस विषय में कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये आयोजन हो रहा है झांगण गांव में, जो राजगढ़ और नौराधार के बीच में, राजगढ़ से लगभग 17-18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप नौराधार से आ रहे हो तो 10 किलोमीटर। तो दर्शकों अभी देवता की हवा पूछ रहे हैं, देवता से बातें करेंगे स्थानीय लोग और फिर उनसे ये पूछा जाएगा कि आप ये कार्य संपन्न हुआ है या नहीं हुआ है। तो नरसिंह महाराज के जयकारे लग रहे हैं दर्शकों। तो गाइस अगर आपको इस देवता के इतिहास के बारे में पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। ये ड्रोन भी उड़ाया जा रहा है। और देवता खुशी से नाच रहे हैं, देखिए दर्शकों। और खुश होना भी चाहिए क्योंकि आपका नया मंदिर बन रहा है, इसका कार्य संपन्न हो रहा है, तो पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। तो दर्शकों हमारा जो यहाँ का लोकल म्यूज़िक है, जो ये साजबाज हिमाचली पारंपरिक, वो बजाया जा रहा है। और यहाँ के जो और भी इस देवता के साथ और भी छोटे छोटे मंदिर है, जैसे कि आप वहाँ पे ये मंदिर विष्णु देवता का मंदिर है, तो इसके पुजारी और भी कई देवता यहाँ पे खेल रहे हैं। ये जो भी यहाँ पे नाच रहे हैं दोस्तों, ये सब इनके अंदर देवता खेल रहा है इस समय। और ये चल रहा है कुरुड़ का काम, इसको फिक्स कर रहे हैं अभी।
दर्शकों, कुरुड़ का कार्य है, जो प्रलाव हिस्सा था वो लग चुका है। तो दर्शकों, कार्य संपन्न, अंतिम पूजा मंदिर के कुरुड़ पे। तो दर्शकों, कार्य संपन्न हो गया है कुरुड़ का, और अब जो फालतू की ये लकड़ियाँ हैं इसे नीचे उतार रहे हैं, और अब हम भी चलते हैं माथा टेकने, और फिर इसके साथ ही लंगर का आयोजन भी किया गया है। जो वेज वाले हैं उनके लिए वेज फूड भी है, और बकरे भी कटे हैं, 9 बकरे। तो हम तो मीट वाले भाई, हम तो मीट खाएंगे। तो दर्शकों, अब मंदिर जा रहे हैं और मंदिर में माथा टेकेंगे, और आपको नीचे के दर्शन दिखाते हैं। अभी यहाँ का माहौल, यहाँ पर रश काफी है, ऊपर से दिख नहीं रहा था इतना, लेकिन यहाँ पे काफी रश है। गाइस, ये है नरसिंह देवता का मंदिर, नजदीकी दर्शन इसके। भाई लोगों, हम जा रहे हैं माथा टेकने। दर्शकों, हम आ गए हैं रोटी खाने,
पीछे भी लेकिन काफ़ी रश है, तो भी इंतज़ार कर रहे हैं बारी का अपनी। आप देख सकते हो पीछे रश। तो गाइस आप जाम देख सकते हो नॉन वेज वालों का, बहुत रश है भाई। तो दर्शकों रोटी खा के अब घर को जा रहे हैं, तो अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो आपको भाई तो लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।